वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस everyone how हाउ आर यू ऑल हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन all यू ऑल फाइन एंड डूइंग वेल एट respective places प्लेसेस so, सो आज मैं आपके स्टार्ट uh, साथ स्टार्ट करने वाली हूँ रीडिंग comprehension एक्चुअली ये मैं आपको लाइव क्लास में questions इसके प्रैक्टिस करवाऊंगी आज मैं बेसिकली आपको बताने वाली हूँ हाउ टू deal यू नो हाउ टू deal विथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ठीक है कि आपको किस तरीके से उसको डील करना है और आपको ये एग्जाम में एग्जैक्टली exactly दिया क्यों जाता है ठीक है अब देखिए आपको बाकी जो क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्या है आपको याद करके जाने हैं मेमोराइज करके जाने हैं या फिर किसी लॉजिकल से लॉजिकल रीजनिंग से या इन्फ्लुस से आपको सॉल्व करने हैं लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऑलरेडी आपको एग्जामिनर uh, ने क्या किया हुआ है आंसर दिए हुए हैं अब आपको आंसर ढूंढने हैं बस तो मतलब ऐसा क्यों है ये कि आपको ऑलरेडी आंसर दे दिए हैं और आपको आंसर ढूंढना है तो इसके पीछे भी एक उनकी uh, मतलब मेंटेलिटी uh, है कि उनको क्यों ऐसा करवाना है उनको क्या आपसे ऐसा uh, देखना है आप आपके अंदर कि वो ऑलरेडी आपको आंसर दे के बस बोल रहे हैं कि आंसर ढूंढ के हमें बता दो तो जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना उनकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है ठीक है एक तो जो आप मेमोराइज करके जाते हैं और दूसरा कि आप वहीं पर रह के जो आंसर्स ऑलरेडी आपको एग्जामिनर ने दिए हुए है, उनको हैं उनको ढूंढते हैं ठीक है सो so, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मुझे कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे ठीक है आज मैं आपको बता देती हूँ कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं उसके बाद मैं आपके लिए लाइव क्लास में लेकर आऊँगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन ठीक है तो आज आपने सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स अपने माइंड में डाल लेनी है और उसको जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और राइट जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसी बेसिस पे उसी पैटर्न पे करेंगे ठीक है और अगर एक बार ही आपके उसमें हैबिट में आ गया ना ये पैटर्न तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से डील करने के लिए ठीक है आपसे पूछता है फाइव क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप फ्री में मार्क्स ले लो फ्री में मार्क्स ले लो तो आप कोई फ्री में आपको मार्क्स दे रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जॉब के लिए तो आपने वो चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है ठीक है आपको ये फाइव आउट ऑफ फाइव तो क्या करने हैं करेक्ट करने ही करने हैं समझ गए आप लोग तो ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं बस आपको एक बार ही इसके पीछे का जो भी लॉजिक है वो समझना है और अपनी लॉजिक को लगाते हुए आपको कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है दैट्स ऑल ठीक है होपफुली जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है आपने उतना अभी तक पढ़ा हो क्योंकि कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं चल रही थी हमने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि अभी कुछ दिन तक क्लासेस नहीं होंगी तो जितना भी हमने पढ़ाया है आपको इस चैनल पे होपफुली आपने पढ़ा होगा समझा होगा और आप उसको रिवाइज करते हुए आगे चल रहे हैं अब क्योंकि एग्जाम बहुत दूर नहीं है तो आपने अब आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है हर चीज को अपने दिमाग में रखना है और उसको बार बार रिवाइज करते रहना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल ऑफ यू नो साइट्स एंड बुक्स आप अगर एक ही बुक को मल्टीपल रीडिंग देते हैं ना वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होता है ठीक है चलिए सो so, मैं अब बताने जा रही हूं आपको कि <coughs> All right. So reading passage is to examine how you deal with any given passage or any article. ठीक है वो unseen है आपको नहीं पता कि exam में कौन सा passage आने वाला है ठीक है अब क्यों दिया गया है अब वो examine करना चाहते हैं कौन जो ऊपर बैठे आपको जॉब देना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं कि आपको कोई भी आर्टिकल जैसे दिया गया है पढ़ने के लिए ठीक है आप उसको किस तरीके से डील करते हैं या उसमें से क्या निकालते हैं क्या लॉजिक निकालते हैं क्या कुछ भी मतलब देखिए आप एक बहुत बड़े लेवल पे सोचिए ये एग्जाम जो है वो बहुत छोटा सा है और आपको फाइव क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपका जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टाइप समझ लीजिए वो जो हो रहा है वो एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है कैसे देखिए आप एक जॉब करने के लिए जाएंगे आपको एक आर्टिकल दिया गया ठीक है अब आपके आर्टिकल सारे दिन एक जैसे नहीं होते किसी दिन आपका ये होगा कि आपको एक आर्टिकल ऐसे टाइम पे पढ़ना है जहाँ पर आपका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे एग्जाम एग्जाम हॉल में होता है हर एक जो एस्पिरेंट होता है उसकी अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है कि वो किस हालात में किस तरीके से एक एग्जाम हॉल में पहुंचा है और उसके बाद उस एग्जाम को क्लियर करने की उसका मेंटल प्रेशर तो उसी चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं अब आपने क्या करना है एक आपको पैसेज दिया है उसको आपने रीड करना है ठीक है और उसको कॉम्प्रिहेंड करना है मतलब उसको समझना है आपने सिर्फ रीड नहीं करना कि जल्दी जल्दी से पढ़ लिया ठीक है फंबल करते हुए आपने रीड तो कर लिया लेकिन उस चीज़ को समझा नहीं तो अगर आपने नहीं समझा तो ये आप फाइव क्वेश्चन क्या करेंगे गवा बैठेंगे अब देखिए अब आपको जो पैसेज में दिया गया है उसमें आपको क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं ताकि जो वहां पे एग्जामिनर है जो ऊपर बैठा हुआ है उसको पता चल सके कि हाँ ठीक है आपने रीड तो कर लिया कॉम्प्रीहेंड आपने अपने दिमाग में कर लिया अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आप उसके जवाब दो तो ठीक है तो आप क्या करते हैं रीड करते हैं कॉम्प्रीहेंड करते हैं पैसेज को और उसके बाद उन क्वेश्चन को टैकल करते हैं ठीक है टैकल करते हैं क्लियर हुआ ये चीज आपको कि एक्चुअल में आपको ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया ही क्यों जा रहा है क्योंकि आपसे वो एग्जामिनर चाहता है कि आप वो पैसेज पढ़ के समझें कि आपको के इस मेंटल भी जो अभी मेंटल आपका प्रेशर है ना इस मेंटल प्रेशर में भी जॉब के टाइम पे आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा और आपको वहां पे भी डील करना है ठीक है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जब आपको लगे कि अभी मेरे को ये क्या हो रहा है कि मेरा समझ नहीं आ रहा मैं फंबल कर रहा हूँ और मेरा पसीने छूटने लगे हैं तो आपने क्या करना है डीप ब्रेथ्स लेनी है क्या करनी है डीप ब्रेथ्स लेनी है डीप ब्रेथ्स लेके लंबी सांस लो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इससे क्या होता है आपका जो फिजिकल सिस्टम होता है ना वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है और जब काम डाउन हो जाता है तो आपका माइंड भी प्रॉपरली काम करने लग जाता है अब देखिए आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आस्क यू इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक तो होता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं राइट right? एक होते हैं आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछते हैं और एक होता है ईडियम एंड फ्रेसिस पूछ लिया जाता है कि ये ईडीएम फ्रेस दिया गया है अब इसका मीनिंग बताओ क्योंकि जो ईडीएम या फ्रेस जो है वो आपके कॉम्प्रीहेंशन में यूज़ हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मीनिंग बताया जाता है और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो मैंने अभी आपको पैसेज पढ़ा है आपने एक बड़ा सा इतने सारे पैसे लाइंस <coughs> का इसका आप कोई एक टाइटल बताइए टाइटल समझते हैं आप yes, यस उसका एक टाइटल बता दीजिए कि ये जो है इसका टाइटल होना चाहिए ठीक है इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में क्लियर हुए कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे चलिए सुना हाउ टू डील विद अ पैसेज किस तरीके से आपको पैसेज को डील करना है देखिए ये होगा आप डबल स्क्रीन आती है ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका इस तरीके से आपका क्या होगा ये पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है और जब आप नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर आता जाएगा और ये एक साइड पे आपके स्क्रीन पर हाफ ऑफ द स्क्रीन पर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो पैसेज है वो रहता है ठीक है अब आपने क्या करना है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने देखा तो आप एकदम टूट पड़ेंगे और क्वेश्चन जो इसमें पैसेज दिया है उसको पढ़ने लग जाएंगे नहीं आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ठीक है आपने क्या करना है सबसे पहले आपको फाइव क्वेश्चंस जो गिवन है वो क्वेश्चंस को एक बारी क्या करना है रीड क्वेश्चंस क्विकली आपने उन क्वेश्चंस को समझना नहीं है ठीक है उन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव आपने जल्दी से एक क्विक रीडिंग देनी है सभी क्वेश्चंस को समझे आप लोग आपको लग रहा हुआ यार इससे तो टाइम वेस्ट होगा आप एक बार ये करके देखिए मैं आपको गारंटी दे रही हूँ अगर आप इस तरीके से करते हैं ना आप जो अभी तक करते आए हैं उससे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपने और ये आपको अपनी हैबिट में डालना होगा मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आपका ऑलरेडी एक आप सिस्टम फॉलो करते हुए आ रहे हैं अब मैं आपको न्यू प्रोटोकॉल्स और पैटर्न्स बताती हूँ वो आप अपने सिस्टम में एक बारी क्या करना पड़ेगा आपको अपडेट करना पड़ेगा और चीजें अपडेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लेती हैं है ना ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है आपको इतनी बात तो समझ ही आती होगी तो आपने क्या करना है आपने एक क्विक रीडिंग करनी है वन टू फाइव क्वेश्चन की अब जब आप पांच क्वेश्चन आपने पढ़ लिए आपके इन पांच क्वेश्चन में से आपके दिमाग में कुछ क्या हो जाएंगे वर्ड्स रह जाएंगे ठीक है क्या हो जाता है इतना तो दिमाग सबका ही चलता है तो इनमें से कुछ शब्द आपके दिमाग में रह जाएंगे अब अब आपने करना है पैसेज को रीड ठीक है आप पैसेज को आप पढ़ते हुए आएंगे और आप मैंने जैसे कि बोला आपके डबल इस तरीके से क्या होता है डिवाइडेड स्क्रीन चल रही होती है ठीक है अब आपने Uh, जब फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा सेकंड पैराग्राफ पढ़ा तभी आपको जो क्वेश्चन नंबर वन है ना उसका कोई एक वर्ड आपको इन दोनों पैसेजेस में से क्या होगा दिख जाएगा और जैसे ही वो वर्ड दिखे आपको तुरंत आप उसका आसपास से ढूंढकर उस क्वेश्चन का क्या करेंगे आंसर दे देंगे और क्या करेंगे नेक्स्ट बटन पे जाके क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाएंगे अब आपका वन और टू आपने क्या कर लिया है जो आपके पैराग्राफ थे उनको पढ़ लिया अब आपका थ्री फोर्थ या फिर टू इस तरीके भी से भी हो सकता है कि आपके वन में ही आपको फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन मिल जाए फर्स्ट पैराग्राफ uh, में फर्स्ट और सेकंड का मिल जाए इट डिपेंड्स ना कि आपको कितने पैराग्राफ का पैसेज आता है ठीक है बहुत लेंथी भी आ सकता है बहुत छोटा भी आ सकता है तो उस हिसाब से आपको वहां पे डील करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए अब आप पैसेज पढ़ते हुए चल रहे हैं अब एक और चीज जो मैंने बोला आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स कर लिए गए हैं तो अब जब रह आपके दिमाग में तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे ना तो आप बहुत अटेंटिवली पढ़ेंगे और आप कोशिश करेंगे कि जो आपके वर्ड्स दिमाग में है ना वो कहीं ना कहीं आपको पैसेज में मिल जाए अब इससे होगा क्या कि कई बार बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं कि पहले बिना क्वेश्चन देखे ही जब पैसेज पढ़ते हैं ना तो क्योंकि वहां पे इतनी जल्दी होती है बच्चों को काम करने की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कि वो पैसेज पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता मतलब उन उसमें अगर कुछ एक वर्ड ना सबसे इजी वर्ड जो आप सोच सकते हैं रीड रीड जो है या रन जो है ऐसे शब्द भी वहां पे बच्चों को समझ नहीं आते हैं ठीक है अब क्योंकि आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स ऑलरेडी हैं और आप उस परपस से पढ़ रहे हैं कि यार ये शब्द मुझे कहीं कहीं दिख जाए तो आप क्या है अब मोर अटेंटिव हो गए टू वर्ड और गिवन पैसेज ठीक है अब जब बहुत अटेंटिवली पढ़ रहे हैं आप तो क्या होगा कि आपको वो पैसेज समझ आते रहेगा और आप धीरे धीरे जो क्वेश्चन हैं आपको गिवन उनको क्या करेंगे टैकल करते हुए वन टू थ्री फोर इस तरीके से करते हुए जाएंगे और जो आपके वन टू फाइव क्वेश्चन होते हैं ना ये मोस्टली सीक्वेंस वाइज ही दिए होते हैं ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ से पूछ लिया क्वेश्चन नंबर वन इधर से पूछ लिया तो आप इस तरीके से जब रीड करते हुए जाते हैं ना तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी वन टू थ्री फोर फाइव इनको भी क्या कर पाएंगे टैकल कर पाएंगे समझ आया आप लोगों को ठीक अब देखिए अब आपका इससे एक चीज हो जाती है कि आपको कई बार क्या होता है सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले तो आप घबराना है इससे नहीं आपको जितने क्वेश्चन हो सकते थे आपने जैसे कि फाइव में से थ्री कर लिए ठीक है अब क्या है आपको उस पैसेज का क्या है कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और आपने वो पैसेज पढ़ लिया तो क्या होगा कि आपको उस पैसेज का सेंट्रल आइडिया या जो थीम है ना वो क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में कि एक्चुअल में जो राइटर है वो आपको क्या कन्वे करना चाहता है वो उसका मूड क्या है उसकी टोन क्या है आपके पैसेज में वो ऑप्टिमिस्टिक है वो नेगेटिव है वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है या अपनी इकोनॉमी पे लिख रहा है मतलब आपको वो चीज ना आपके दिमाग में क्या होगी क्लियर हो जाएगी ठीक है अब जब वो चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है ना तो बचे हुए क्वेश्चन में आप ना एलिमिनेशन मेथड इजीली क्या कर पाते हैं लगा पाते हैं अप्लाई कर पाते हैं तो आपके जो क्वेश्चन गलत होने की चांस है ना वो बहुत कम हो जाती है और ऐसा है कि ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इसमें तो जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि सभी बच्चों को इसमें फुल मार्क्स मिले लेकिन तब भी इसमें बच्चे क्या करते हैं रॉन्ग करके आते हैं अब वो रॉन्ग क्यों करके आते हैं वो तो आप लोग जब खुद क्वेश्चन पेपर करते होंगे तब आप से भी गलती हुई होगी इनमें तो आपको पता है कि यहां पे मेंटल प्रेशर बहुत है एक्चुअली ठीक है तो ये समझ आया कि आपने किस तरीके से डील करना है एक्चुअल में क्वेश्चंस को यस yes, एलिमिनेशन भी लगाना है आपने सेंट्रल आइडिया थीम पकड़ना है पैसेज का पैसेज को भी रीड करना है और क्वेश्चंस को भी क्विकली रीड करते हुए उनको अटेम्प्ट करते हुए जाना है देखिए जो टीचर्स आपको बोलते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़िए और उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए ये बहुत गलत है क्योंकि जब तक आप सेंट्रल थीम नहीं पकड़ते ना उस पैसेज का तब तक आपकी चांसेस बनी रहती हैं कि आप कोई ना कोई उसमें क्वेश्चन गलत कर दें तो आपने क्या करना है हमेशा जो पैसेज रहेगा ना उसको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी मतलब जान लगाते हुए उसमें पढ़ने लग जाएं कि आप बस अब तो मैं ये पैसेज ही पढ़ के रहूंगा और समझ के रहूंगा या रहूंगी अब देखिए मैंने इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टाइम कंस्ट्रें आपको एक पैसेज गिवन है जिसमें से आपको पांच क्वेश्चंस करने हैं उनके आंसर अवेलेबल हैं ऑलरेडी आपको पास और आप उसमें क्या कर सकते हैं पूरा टोटल स्कोर कर सकते हैं तो एग्जामिनर आपको ऐसा दे ही क्यों रहा है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार मुझे ऑलरेडी आंसर बता के क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं तो देखिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं मैंने आपको अभी बोला कि हर एक स्टूडेंट की अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है ठीक है वो किस हालात में कितनी प्रेशर के बाद कितनी चीजें झेलने के बाद कितनी प्रिपरेशन करने के बाद एक हॉल में पहुंचा है ठीक है अब उसके पास आ, कुछ टाइम है जैसे कि आप समझ लीजिए दो घंटे हैं उसके पास और दूसरे 200 क्वेश्चन क्या करने हैं सॉल्व करने हैं ठीक है अब 200 क्वेश्चन में से आपके पास फाइव क्वेश्चन जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हैं क्योंकि इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से फाइव आपका क्या है रीडिंग क्वेश्चन है ठीक है 200 क्वेश्चन में 50 आपका क्या है इंग्लिश uh, है और उसमें आपका पांच क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है अब आपके पास टाइम तो इतना ही है और आपको पूरा पेपर भी करना है पास भी करना है और वो सारी चीजें आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली रहती रहती हैं, ठीक है थीके? अब आपके पास वो पैसेज है जो हर एक बच्चा कर सकता है आप घर में आराम से बैठ के करेंगे ना तो आप पांच में से पांच क्वेश्चन यूं ही टिक कर देंगे आपको लगेगा यार ये क्या चीज आई है वो कोई बच्चा भी कर देगा लेकिन आपके पास वहां पे टाइम कम है और आपके पास मेंटल प्रेशर बहुत है आपको ये भी चिंता है कि पता नहीं यार मेरा होगा कि नहीं होगा और आप किस तरीके से धक्के खाते हुए वहां पर एग्जाम हॉल में पहुंचे ये सही बात है कि मतलब आ, हमारी यहाँ पे कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है नहीं और क्योंकि हमें एग्ज़ाम देते रहना पड़ता है तो हम कैसे धक्के खाते हुए दूसरी जगह पे अपने एग्जाम सेंटर पे पहुँचते हैं तो ये बहुत सारी इश्यूज़ हैं हम मतलब तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है और फिर ऊपर से ये भी रहता है कि यार पता नहीं ये पेपर आउट नहीं हो जाए कहीं हमारी मेहनत वेस्ट नहीं हो जाए कहीं इस पर रोक ना लग जाए और आपका सबसे बड़ा जो वहां पे दुश्मन होता है वो होता है टाइम जो आपका यहाँ पे मतलब जब आप खाली बैठे होते हैं ना वो आपका एक मिनट जो है वो बहुत टाइम में जाता है और वहां पे एक मिनट एक सेकंड की तरह चल रहा होता है ठीक है जो आप ये जो पैसेज है ना जो बच्चों वाला पैसेज आया हुआ है आप यहाँ घर पे उसको दो मिनट में कर लेते हैं लेकिन वही पैसेज आपको वहां पे छे सात मिनट लग जाते हैं देख रहे हैं आप उसका ट्रिपल से भी ज्यादा टाइम लग जाता है आपको एग्जाम हॉल में करने के लिए तो इसीलिए अपने आप को उसी टाइम में बाउंड करते हुए आपने वो क्या करना है कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में कि आपको किस वे में और कौन सा पैटर्न क्या करता है सूट करता है देखिए मैंने आपको आज एक पैटर्न बताया आपको कुछ और पैटर्न पता हो या फिर आप अभी तक कोई और पैटर्न क्या करते हुए आए हैं फॉलो करते हुए आए हैं और उसकी वजह से आपके पांच में से पांच क्वेश्चन सही होते हैं तो आप वो फॉलो कीजिए मैं आपको अपनी तरफ से एक पैटर्न दे रही हूँ जो मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर वर्क करता है ठीक है तो आपके लिए एंड पे मेरे लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं कि आप किस तरीके से इसको क्या करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है हम यही तो सीख रहे हैं हमारे साथ कि आपका जो ऑलरेडी स्किल्स हैं उनको और किस तरीके से बेटर बनाया जाए और किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए ठीक है so, सो आपने सबसे पहले करना है आपने अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना है मैंने आपको बोला हुआ है अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आए इंग्लिश जो लैंग्वेज है आपको आए तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना होगा कुछ भी कुछ भी रीड कीजिए आप ये नहीं कि मतलब कुछ भी जिबरे आप रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे नो no, आप कुछ यूजफुल अच्छा पढ़ना स्टार्ट कीजिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पहले बहुत सारी क्लासेस में मैंने आपको जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी उसमें बताया हुआ है सिलेबस में कि आपको किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए है ना तो आपने अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है कुछ अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं ऑब्वियसली इंग्लिश में क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं ठीक है तो और नहीं भी समझ आता तब भी पढ़िए आप एक ना एक दिन ना आपको वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी जैसे कि मैं अपनी बताती हूँ मैं न दिंदू न्यूज़ पेपर बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ मुझे ये न्यूज़पेपर ना स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ नहीं आता था उससे पहले मैं पढ़ती थी टाइम्स ऑफ इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ती थी फिर मैंने द हिंदू पे स्विच कर लिया ये जो न्यूज़पेपर है इसकी लैंग्वेज काफ़ी मतलब अच्छी है समझ रहे हैं आप काफी अच्छे लेवल की इसमें इंग्लिश को दिया जाता है और बहुत ही अच्छे इसमें एडिटर्स वगैरह हैं ऑथर्स वगैरह बहुत अच्छा लिखते हैं तो मैंने इसीलिए इस न्यूज़पेपर पर क्या किया है स्विच किया था तो मुझे कुछ दिन तक ना कुछ दिन क्या काफी टाइम तक इस न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल्स पढ़ती थी ना मुझे समझ ही नहीं आते थे लेकिन मैं ना तब भी पढ़ती रही उसको पढ़ती रही पढ़ती रही मतलब फिर मुझे ना वो कुछ चीजें क्लियर होने लगी दिमाग में कि किस तरीके से वो न्यूज़पेपर वर्क करता है किस तरीके से लिखता है और फिर वो मुझे न्यूज़पेपर क्या हो गया समझ आने लग गया अब मैं कोई और न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं सिर्फ द हिंदू पढ़ती हूँ द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस ठीक है और देखिए जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं ना तो उस आर्टिकल के हमेशा कुछ ना कुछ की होते हैं आप उनको याद रखिए मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि आप जब पैसेज को डील करते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे कुछ कीवर्ड्स आपके दिमाग में रह जाएंगे राइट और उन्हीं कीवर्ड्स को लेके आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये किस तरीके से आएगा जब आप कोई भी रीडिंग कर रहे हैं कुछ भी रीड कर रहे हैं आप और जब वो रीड कर रहे हैं आप तो उसमें से कुछ की आप अपने दिमाग में रखें ठीक है और बाद में कहीं पे भी जब वो आप आर्टिकल देखते हैं तो आपके दिमाग में वो कीवर्ड्स क्या हो स्ट्राइक करें वो ऐसा होगा आप जब पढ़ने लग जाएंगे ना तो वो अपने आप ये नेचुरली होने लग जाता है और दूसरी बात जब भी आप पैसेज सॉल्व करते हैं ना जैसे कि आपका एक इजी आ गया पोल्यूशन पे आ गया समझ लीजिए जो आपका पैसेज है ना वो पोल्यूशन पे आ गया आप पोल्यूशन तो ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान जानता है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा या इसका ऐसे लिखा होगा तो आपने अपनी प्रायर नॉलेज को अप्लाई नहीं करना जितना आपको उसमें दिया गया है ना पैसेज में उतना ही कॉम्प्रीहेंड करना है आपने अलग अपनी एडिशनल नॉलेज क्या नहीं करनी है उसमें अप्लाई नहीं करनी कि यार नहीं नहीं, नहीं ये तो ट्वेंटी फाइव होता है अगर आपको कुछ भी पैसेज में डेटा सेवेंटी फाइव परसेंट दिया हुआ है और आपको पता है कि वो ट्वेंटी फाइव होता है तो आपने ट्वेंटी फाइव नहीं करना जो पैसेज में दिया है ना सेवेंटी फाइव आपने सेवेंटी फाइव ही करना है समझ आया प्रायर नॉलेज का क्या मतलब है ठीक अब आपने कॉन्सेंट्रेट करना है वाइल्ड रीडिंग क्या होता है कि हम एक पैसेज दिया होता है कई बार लॉन्ग पैसेजेस दे देते हैं ठीक है ठीके? आपके इसमें फाइव पैराग्राफ्स दे दिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है One, two, three, four, इस तरीके से क्या है एक लंबा सा आपका पैसेज बना दिया है तो क्या होता है बच्चे तीन पैसेज तक तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं और लास्ट के दो पैसेज ऐसा होता है कि उड़ गए हवा में गए कुछ समझ नहीं आया तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको लग रहा है कि आपकी थॉट प्रोसेस कहीं और जा रही है तो अपने आप को वापस लाइए और देखिए कि वो जो मैंने बताया ना अभी कि आपके दिमाग में कुछ की रह गए हैं उनको ढूंढिए ढूंढिए उन अटेंटिवली और फिर आप क्या होगा आप वापस उस पैसेज में आ जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से आपने क्या करना है पूरा पैसेज को डील करना है होपफुली आपको समझ आया हो कि एक्चुअल में कॉम्प्रीहन किस तरीके से किया जाता है लोगों को लगता है कि यार कॉम्प्रीहेंशन को क्या प्रैक्टिस करना है इसका तो आ, आसानी से आंसर मिल जाएगा ये तो हम कर ही लेंगे तो अगर आपके पास पांच क्वेश्चन जो पूरा करेक्ट करने की चांस है थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ तो उसको क्यों गवाना क्यों चांस लेना है ना तो आपने क्या करना है इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है और आपने वर्ड ऑफ द डे हर दिन देखना है जो कि आपको रोज अवेलेबल हो रहा है और उसके एंटेनिम्स एंड क्या करने हैं अच्छे से अपने दिमाग में डाल लेने हैं ताकि आप क्या हो वहां पे दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में क्या हो एक एज हो आपके पास क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वो कैब छोड़ देते हैं कहते यार एक चीज छोड़ देता हूँ वो कैब इस पे ज्यादा काम कर नहीं पा रहा मैं चलो छोड़ देता हूँ लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे ठीक है अगर आज आप फर्स्ट टाइम है इस चैनल पे देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सेस वेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू यूपीपी सी का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ऑफ कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स एंड ऑफ इंग्लिश ठीक है सो आप अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए अपने दिमाग में अच्छे अच्छे काम कीजिए कभी भी ना ये मत कोशिश करना कि, कि किसी को पुल डाउन करके मैं ऊपर चले जाऊं ठीक है आप हमेशा ये सोचिए कि अगर मैं डिजर्व करता हूँ ना इस पोजीशन पे जाने के लिए तो ही मैं पहुँचना चाहिए नहीं तो देखिए ऑलरेडी हमारा जो सिस्टम है आप देखिए किस बुरी तरीके से फंक्शन कर रहा है और क्यों इतनी बुरी तरीके से फंक्शन कर रहा है हमारा जो भी है क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं जिनकी इंटेंशन अच्छी है वो बुरे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं तो अगर अच्छे लोग हरेक अच्छी जगह पर होंगे अब देखिए अब अच्छे लोग कौन है हम और जो हैं, वो अच्छे लोग हैं लेकिन जब हम सोचते हैं किसी को पुल डाउन करके हम ऊपर चले जाते हैं तो वो गलत हो जाता है तो हमेशा क्या थिंकिंग रखनी है आपने कि अगर मैं डिजर्व करता हूं मैं आई एम रेडी टू वर्क हार्ड ठीक है इस पोजीशन के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा या करूंगी और उस पोजीशन तक पहुंचूंगी भी लेकिन अपनी मेहनत पर और अगर कोई मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और वो डिजर्व करता है तो वो पोजीशन वो ले ले और मैं अब किसी और चीज के लिए अप्लाई करूंगी जहां पे मेरी बेस्ट हो मैं जिसको डिजर्व करती हो समझ रहे हैं आप हाँ? तो ये थॉट्स आपने अपने दिमाग में जरूर रखने हैं गुड थॉट सो इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मीवर ऑन कॉमर्स एक्सेस थैंक यू गाइज